हेलो किड्स अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेट आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होते हैं उन्हें हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है और उसे किस तरीके से हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑफ़न स्पीक सम वर्ड्स इन ओवर डेली लाइफ लाइक द कलेक्शन ऑफ थिंग्स टू रिप्रजेंट द कलेक्शन ऑफ थिंग्स जैसे हमारे पास है टीम ऑफ प्लेयर्स अ बंच ऑफ फ्लावर अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज एंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सो ऑन ये वर्ड्स हैं जो हम शो करते हैं सेम कलेक्शन की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमारे पास है फ्लावर्स तो फ्लावर्स का बंच जो है वो हमारे पास फ्लावर्स एक ही कैटेगरी से हैं तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बंच क्लस्टर ऑफ ट्रीज़ यानी ट्रीज़ का जो है क्लस्टर ये सब वो चीज़ें हैं जो होती तो प्लोलर हैं लेकिन उनके लिए वर्ड हम एक यूज़ करते हैं उनको सिंगुलर वर्ड सिंगुलर शो करने के लिए लाइक टीम ऑफ प्लेयर्स या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये सब लेकिन मैथमेटिक्स में हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिंगल वर्ड जिसको हम कहते हैं सेट सेट इज यूज टू डिनोट ऑल द सच टाइप्स ऑफ वर्ड दैट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज सेट ऑफ प्लेयर्स सेट ऑफ फ्लावर्स सेट ऑफ़ ट्रीज एंड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड सेट ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा यानी हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में इस वर्ड सेट को इन तमाम चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही कलेक्शन से बिलोंग करती हैं जैसे फ्लावर्स हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स एक ही कलेक्शन से बिलोंग करती हैं इसलिए हम इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट हम सेट ऑफ बर्ड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि बर्ड्स एक ही कैटेगरी के हैं तो हम सेट्स को डिफाइन करते हैं द कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट यानी कलेक्शन हमारे पास हो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंग मीन स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ें की और वेल well डिफाइंड यानी जो हमारे पास क्लियर हो तो जो कलेक्शन हो हमारे पास स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की उसको हम सेट कहते हैं यानी सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो वेल well डिफाइंड होने चाहिए क्लियर होने चाहिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट्स आर कॉल इट्स मैंबर्स और एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स या फिर मैंबर कहलाते हैं

Not. well डिफाइंड का ये मतलब है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की हो जो आपको ये बताए कि जो आपका सेट है उसके दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं वो उसके मेंबर हैं या फिर नहीं है टू मेक इट क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्शन अब जैसे हम लोगों ने ऊपर सेट की बात की है तो सेट में हमारे पास क्या आया हमने कहा सेट ऑफ फ्लावर्स या फिर सेट ऑफ बर्ड्स तो अब उसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स क्लियरली डिफाइंड हैं हमारे पास कि एक ही कैटेगरी के, के सब बर्ड्स हैं अगर हम इन बर्ड्स के अंदर कुछ एनिमल्स ऐड कर दूं तो वो एनिमल्स जो हैं और बर्ड्स मिला के वो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी वो क्लियरली हमें डिफाइंड नहीं होगा तो हम उस सेट को सेट नहीं कहेंगे सेट आपके पास वेल well डिफाइंड होना चाहिए क्लियर होना चाहिए ठीक है इसकी हमने एग्जाम्पल थोड़ी सी देखते हैं द कलेक्शन ऑफ द गुड स्टोरीज यानी आपके पास गुड स्टोरीज की जो है वो कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ़ द गुड स्टोरीज तो अब जो कलेक्शन ऑफ़ गुड स्टोरी है द कलेक्शन ऑफ़ टेस्टी फूड है एंड द कलेक्शन ऑफ़ द फेवरेट पोएम्स हैं ये जो एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आती हैं ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट की एग्जाम्पल्स नहीं है यानी आपके पास ये सेट्स जो हैं वो वेल well डिफाइंड नहीं है क्योंकि कलेक्शन ऑफ़ गुड स्टोरीज जो गुड स्टोरीज़ हैं वो मेरे लिए शायद गुड स्टोरीज़ हैं लेकिन आपको वो स्टोरीज पसंद नहीं है वो अच्छी नहीं लगी तो वो आपके पास एक प्रॉपर या क्लियर सेट नहीं बनेगा द कलेक्शन ऑफ़ फेवरेट पोएम्स फेवरेट पोइम की कलेक्शन जो है वो भी एक क्लियर सेट नहीं है क्योंकि मेरी फेवरेट पोइम और आपकी फेवरेट पोइम जो है उसमें डिफरेंस होगा द कलेक्शन ऑफ द टेस्टी फूड टेस्टी फूड की कलेक्शन जो है वो भी उसका सेट नहीं बन सकता क्योंकि वो क्लियर नहीं है जो मेरा फेवरेट फूड है वो आपका फेवरेट फूड नहीं है ये पर्सन टू तो पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं तो ऐसी चीज़ों की कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे इन अबव एग्जाम्पल्स वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड्स गुड टेस्टी एंड फेवरेट्स आर नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज अ फूड मे बी फेवरेट ऑफ वन पर्सन माइट नॉट बी द फेवरेट फॉर अनादर सिमिलरली अ स्टोरी मे बी गुड इन द व्यू ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी द व्यू ऑफ

इफ़ इट इज़ रिटर्न टू आइस इट विल नॉट बी अ सेट यानी हमने क्या कहा डिस्टिंग का मतलब है जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हों जो हमारे पास रिपिटेशन में ना आ रहे हों एक सेट में सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रही हों ऐसे सेट को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट सेट अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्मॉल तो स्मॉल के जो हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखे हैं अलग अलग सेट के अंदर उसमें हमने एक ही वर, बार यूज़ किया है दूसरी बार यूज़ नहीं किया क्योंकि डिस्टिंक्ट होता है जब कोई सेट जो है उसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे वेल डिफाइंड होंगे तभी हम उसे सेट कह सकेंगे नेक्स्ट वन इज सेट नोटेशन अब हम ये देखेंगे कि हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड जी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन मेंबर्स और एलिमेंट्स आर विद इन द ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कोमा आपके पास जो सेट होता है उसका एक नेम हम देते हैं जो भी हमारे पास सेट होगा चाहे वो है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक है या सेट ऑफ सीजंस है या फिर सेट ऑफ प्लेयर नेम्स ऑफ प्लेयर्स है या जो भी हमारे पास है सेट तो उसका कोई ना कोई नेम होगा जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो नेम होता है वो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो हमारे इंग्लिश कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स जो हैं वो उनके नेम्स होंगे जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम ब्रैकेट्स के अंदर या ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसे कोमा सेपरेट करते हैं जैसे हमने ये देखा है यहाँ पर हमारे पास एस एम ए एल या ब्रैकेट्स के अंदर है और इसे हमने कोमा से सेपरेट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ़ पेट्स ए अब हमने ए नाम दे दिया है सेट ऑफ़ पेट्स को और हमारे पास कौन कौन से हैं ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया है काओ हॉर्स एंड गॉट सिम्बॉलिकली वी कैन राइट द मेम्बर्स ऑफ सेट ए एज़ काओ इज़ द एलिमेंट ऑफ ए इज़ रीडर्स काओ इज़ एन एलिमेंट ऑफ़ सेट ए हमने कहा कि सेट के अंदर जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स या फिर मेम्बर होते हैं तो हमने क्या कहा कि काओ इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड गॉड इज ऑल्सो गॉड ई ए का मतलब क्या है कि गॉड इज़ एन एलमेंट ऑफ एन सो ऑन यानी ये जो वर्ड ई है ये हम यूज़ करते हैं एलिमेंट या फिर मेम्बर को डिनोट करने के लिए नाव वी कैन एग्जामिन वेदर अ ट्री इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए तो हमने क्या देखना है कि क्या ट्री जो है वो सेट ए का एलिमेंट है नो क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं भी ट्री नज़र नहीं आ रहा नो अ ट्री इज़ नॉट दिलमेंट ऑफ सेट ए सो वी कैन राइट दिन स्टेटमेंट सिम्बोलिकली एज ट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए एंड इट इज रीड एज ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए तो जब आप ई e साइड बनाए और उसके ऊपर कट लगा दें तो उसका मतलब होता है कि ये मेंबर नहीं है या फिर एलिमेंट नहीं है द सिम्बल ई इज द ग्रीक लेटर विच इज यूज टू टेल दैट द ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग टू और इज अ मेंबर ऑफ अ सेट एंड सिंबल ई नॉट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू और इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट यानी जो आपका वर्ड सिंबल ई है वो ये बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस सेट से बिलोंग करता है या उसका मेंबर है और ये जो सिंबल है आपका ये बताता है कि ये नहीं बिलोंग करता या एलिमेंट का मेंबर सेट का मेंबर नहीं है जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ द सेट ऑफ़ द डेज ऑफ वीक तो उसमें हमारे कौन कौन से डेज आएंगे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब जितने भी डेज़ हैं ये इनके सेट के मेंबर्स हैं मैं जैसे कहती हूँ कि ये ए सेट है तो ए सेट के मेंबर या फिर एलिमेंट है और उनको मैं किससे डिनोट करूँगी ई से बट e इसमें अगर मैं जनवरी ऐड कर देती हूँ तो जनवरी के साथ मैं लिखूँगी जनवरी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए तो मैं उसकी जो सिंबल लगाऊंगी वो ई e नॉट का सिंबल लगाऊंगी सब इम्पॉर्टेंट सेवन बिलो द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन सेट ऑफ द इवन नंबर जैसे टू फोर सिक्स एट सेट ऑफ द आट नंबर ऑन नंबर हमारे पास आ जाता है वन थ्री फाइव वो नंबर जिनके हम पेयर्स नहीं बना सकते सेट ऑफ द होल नंबर डब्ल्यू है हमारे पास होल नंबर में आपके जीरो से ऑनवर्ड सारे वर्ड्स सारे नंबर्स आ जाते हैं और पीजे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके टेबल्स में कोई किसी और नंबर के टेबल्स में वो नंबर्स नहीं आते तो ये सब आपके पास क्या हैं कि आपके पास कुछ सेट्स की एग्जांपल्स हैं और इनको हम लोगों ने डिनोट किया है इन कैपिटल लेटर्स से एग्जांपल है राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हमने ये बताना है कि कौन सा सेट जो है वो एलिमेंट है या नहीं है ए इज़ अ सेट इनमें हमारे एलिमेंट्स या मेम्बर जो हैं वो है वन टू थ्री फोर एंड फाइव बी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल सी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लाहौर कराची सियालकोट इस्लामा और फैसलाबाद हम इनका सोल्यूशन देखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट ए हमारे पास है वन टू थ्री फोर एंड फाइव वी कैन राइट द मैथ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए वन इज़ द एलिमेंट ऑफ ए टू इज़ द एलिमेंट ऑफ ए थ्री इज़ द एलिमेंट ऑफ ए फोर इज़ द एलिमेंट ऑफ ए और फाइव इज़ द एलिमेंट ऑफ ए इट मीन्स हम कहेंगे कि वन टू थ्री फोर फाइव जो है वो मेम्बर हैं ए सेट के द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल तो हम इसे लिखेंगे ट्राइंगल इज़ अलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट बी स्क्वायर इज़ अलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट बी और ओ इज़ अ मेंबर, सर्कल इज़ अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट बी और इसका यह भी मतलब होगा इट बिलोंग्स टू सेट बी सेकेंड इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी आर लाहौर कराची सयालकोट इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद वी कैन राइट द मैथ लाहौर इज़ द मेम्बर ऑफ सेट सी कराची इज द मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट सी सियालकोट इज़ मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट सी एंड इस्लामाद आर्लीमेंट और मेंबर ऑफ सेट सी एंड फैसलाबाद इज़ एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट सी और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिलोंग टू फैसलाबाद बिलोंग्स टू सी लाहौर बिलोंग्स टू सेट सी फोर बिलोंग्स टू सेट ए ये सब हम इसके लिए यूज करते हैं वर्ड्स विदर द फॉर्मिंग सेट्स और नॉट अब हमें यह बताना है कि क्या ये सेट हैं या नहीं है ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वन टू थ्री एंड फोर बी सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं वन टू टू थ्री ओके हम वन बाई वन देखते हैं ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं वन टाइम आ रहे हैं और हमारे पास ये ब्रैकेट्स के अंदर भी है तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ए जो है वो क्लियर सेट है क्योंकि इसमें हमारे पास वेल well डिफाइंड सब चीज़ें जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं बी हमारे पास है सेट वन टू टू थ्री तो बी जो है वो हमारे पास सेट नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है वो रिपीटिशन में आ रहे हैं तो ये हमारे पास सेट की एग्जाम्पल नहीं है सी हमारे पास है के आई एन जी किंग तो अब हमारे पास जो सी है इसमें एलिमेंट्स वन टाइम आ रहे हैं और ब्रैकेट्स में भी हैं और उसे किसी नेम से हमने डिनोट भी किया है तो इट मीन्स ये हमारे पास सेट है डी जो है उसमें हमारे पास वर्ड्स है पी ए एल एल तो इसमें भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं डिस्टिंक्ट नहीं है इट मीन्स इट इज़ नॉट द सेट द सेट ऑफ द ब्रेव बॉयज़ अब सेट ऑफ द ब्रेव बॉयज़ जो है वो हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि ये सेट्स uh, देर uh, ये जो है इसमें ये है कि हमारे पास ये डिफाइंड या वेल डिफाइंड नहीं है कि ब्रेव बॉयज़ जो हैं वो मेरे व्यू में ब्रेव बॉयज़ जो हैं वो हो सकते हैं आपके व्यू में वो बॉयज जो हैं वो हो सकता है ब्रेव ना हो तो ये जो है इसकी हम लोग वेल डिफाइंड क्योंकि ये सेट या इसकी इंस्ट्रक्शन वेल डिफाइंड नहीं है स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास सेट नहीं हो सकता F इज़ द सेट ऑफ द पाकिस्तानी सिंगर तो हमारे पास जो F है वो क्लियरली डिफाइंड है पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम हमने बताने हैं तो ये हमारे पास सेट होगा A, C एंड F आर द सेट्स बिकॉज देर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग एंड वेल डिफाइंड हमने भी यही कहा A, C और F जो है हमारे पास वेल डिफाइंड है